अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर। कोर्स है हमारा MTSDT मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जी MTSDT क्या होता है, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है। उसके साथ हमने देखा था जी मॉडल क्या होता है। मॉडल में हमने एक हाउस की एग्जांपल को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जी हम आर्किटेक्ट को बताएंगे कि हमारा घर जो है ऐसा दिखना चाहिए और वो उसे डिजाइन करेगा, उसका फायदा क्या होगा। उसका फायदा ये हमें हुआ था कि हमें पता चल गया था कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे जो बननी है, जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा, उसको स्ट्रक्चर कैसा होगा और अस्सलाम वालेकुम। मॉडल में हमने एक हाउस की एग्जांपल को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जी हम आर्किटेक्ट को बताएंगे कि हमारा घर जो है ऐसा दिखना चाहिए और वो उसे डिजाइन करेगा, उसका फायदा क्या होगा। उसका फायदा ये हमें हुआ था कि हमें पता चल गया था कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे जो बननी है, जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और एट द एंड वो हमें नजर कैसे आएगा। हमने मॉडल की डेफिनेशंस देखी थी, जीन बिजन की देखी थी, लुडविंग की देखी थी, OMG की डेफिनेशन हमने देखी थी मॉडल की, कि मॉडल क्या होता है, वो कैसे डिफाइन करते हैं ये लोग, मॉडल को कैसे डिफाइन कर रहे थे। उसके बाद ही हमने देखे थे मॉडल, कौन कौन से मॉडल हमने देखे थे। एक हमने बिल्डिंग का मॉडल, देखा था ब्रिज का मॉडल, यानी कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था ब्रिज का मॉडल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने देखा था एरोप्लेन का मॉडल, एरोप्लेन था कैसे बन रहा था, उसका स्ट्रक्चर क्या था। उसके बाद हमने मेडिकल साइंस में देखा था DNA का मॉडल, कि DNA कैसे बन, रहा है, उस पर कैसे प्रोग्रेस हो रही है मेडिकल फील्ड में। उसके बाद हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट और मॉडल में डिफरेंस क्या है। एब्स्ट्रैक्ट हमने इसमें हमने एग्जांपल दी थी टेबल की, हमने ब्रेनस्टॉर्म टेबल के बारे में सोचा था जी। टेबल का नाम आते ही हमारे माइंड में गया था जी, इसकी चार टांगे होंगी, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, वुडन होगा, स्टील का होगा या ग्लास का होगा, जो भी होगा। तो ये हमारे माइंड में चीजें गई थी टेबल से। इसका फिर हमने मॉडल बना कर देखा था कि ये जब मॉडल की फॉर्म में आएगा तो ये कैसा दिखेगा। उसके बाद हमने एक देखा था जी डिजिटाइजर सिस्टम देखा था, कैसे उसमें ICs लग रही हैं, रजिस्टर वगैरह, ये सारी चीजें लगाने से पहले हमने देखा था कि हम इसका एक मॉडल भी बनाते हैं और उस मॉडल को इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमने देखा था जी मॉडल के टाइप्स, किस किस टाइप का मॉडल हो सकता है, कौन कौन से मॉडल हमें बनाने पड़ेंगे। इसमें हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स मॉडल देखा था, आर्किटेक्चर मॉडल देखा था, बिहेवियरल मॉडल देखा था और रन टाइम मॉडल देखा था। ये मॉडल देखने के बाद हमने इनमें डिफरेंस फाइंड किया था, इनकी फंक्शनैलिटी देखी थी भाई ये क्या क्या कैसे काम परफॉर्म कर रहे हैं अपना, और हमने देखा था कि इनमें क्या डिफरेंस है।
पर्पस क्या होता है इनका, ये क्यों बनाए जाते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि भाई ये एनालिसिस के लिए बनाए जाते हैं, कोड जनरेशन के लिए बनाए जाते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम को रिव्यू करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाए जाते हैं, यानी ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी होते हैं। ये वो चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी, और इनसे हमें एक चीज क्या सीखने को मिली थी, हमें ये सीखने को मिला था कि भाई जो मॉडल होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको हमने सिर्फ एज अ डिजाइन यूज नहीं करना, यानी ये जो डिजाइन हमने बनाया, मॉडल बनाया है, इसको सिर्फ डिजाइन के तौर पर यूज नहीं करना कि हम इस ये डिजाइन बनाएं और मजीद मैनुअल काम करें, यानी मैनुअली कोड को डेवलप करें, कोड राइट करें। तो हमने इसका ये बेनिफिट देखा था कि भाई ये मॉडल बना के हम ये चीजें जो है कोड जनरेशन जो है ये ऑटोमेट कर सकते हैं, इसका हमें ये फायदा हो सकता है। यानी हमने मॉडल को बेस नहीं बनाया था, मॉडल को ड्रिवन, यानी कि मॉडल ड्रिवन मॉडल से हम कोड को ड्राइव कर रहे थे। ये वो चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। अब हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हम क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन से हमारे टॉपिक्स पर बात होगी, वो हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या कवर करना है। आज हम बेसिकली 3 टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। पहला टॉपिक है हमारा मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर, यानी MDA, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जी टारगेट ऑडियंस ऑफ MDST, यानी कौन लोग हैं जो MDST के टारगेट ऑडियंस हैं, जिन्हें MDST को समझना जरूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे जी गोल्स पे, द गोल्स ऑफ MDST, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं इन पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं MDA को। MDA क्या चीज है, मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या चीज है। MDA has a सिमिलर अप्रोच, बट इट डिटेल्स डिफर पार्शली ड्यू टू डिफरेंट मोटिवेशंस। MDA टेंड टू बी मोर रिस्ट्रिक्टिव, फोकसिंग ऑन UML बेस्ड मॉडलिंग लैंग्वेजेस। MDA क्या है जी, MDA सिमिलर अप्रोच है MDST से, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है जी, फर्क इसके मोटिवेशंस का है, और ये जो है ना रिस्ट्रिक्टिव है, किस चीज पर, ये फोकस करती है UML को, यानी ये UML बेस्ड मॉडलिंग को सपोर्ट करती है, UML लैंग्वेजेस की नोटेशंस को यूज करते हुए ये मॉडल्स जो बने होते हैं उनको लेकर ये सिस्टम का आर्किटेक्चर डेवलप करती है। जबकि दूसरी तरफ MDST जो है उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। MDA का प्राइमरी गोल क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ MDA इज इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टूल्स एंड द लॉन्ग टर्म स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मॉडल्स फॉर द पॉपुलर एप्लीकेशन डोमेन्स। यानी इसका प्राइमरी गोल क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी पैदा करना किनके दरमियान, टूल्स और मॉडल्स के दरमियान में, यानी ये टूल्स और मॉडल्स के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी पैदा करती है। दूसरी तरफ MDST में क्या हो रहा था, MDST aims at the provision of modules for software development processes that are applicable in practice and which are can be used in the context of model-driven approaches. MDA क्या कर रही है जी, MDA
इंटरऑपरेबिलिटी पैदा कर रही है टूल्स और मॉडल के दरमियान में, और ये एक रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है जो यूएमएल लैंग्वेज को बेस बना के यूएमएल लैंग्वेजेस की नोटेशन को यूज करते हुए आर्किटेक्चर बना रही थी। दूसरी तरफ एमडीएसडी क्या है, वो मॉड्यूल्स बना रहा है किसके लिए, ताकि उन मॉड्यूल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान किया जा सके, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स के थ्रू हो सके। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें, एमडीए में और एमडीएसडी में, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक आइडियाज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ऑल दोज इन्वॉल्वड इन एन एमडीएसडी प्रोजेक्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यानी वो लोग जो एमडीएसडी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, जो यानी हम एमडीएसडी की अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, हमने एक गोल सेट कर लिया है और उसको अचीव करने के लिए अब हम चल पड़े हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए जी, कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं हमारे उस प्रोजेक्ट पर, जो हम एमडीएसडी की अप्रोच को अप्लाई करते हुए कर रहे हैं, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज के साथ, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, टर्मिनोलॉजीज के साथ और बेसिक आइडियाज के साथ। यानी हम कौन से कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज कर रहे हैं, वो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं एमडीएसटी प्रोजेक्ट पर, वो उनसे उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यानी उनके लिए नई चीजें ना हो, उनसे वो पहले से फेमिलियर हो, और बेसिक आइडियाज जिनके ऊपर हम सिस्टम अपना डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम बनाने जा रहे हैं, मॉडल्स को लेकर सिस्टम की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, वो चीजें, ये सारी चीजें जो है उन लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इनके लिए जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। सही बात है, अगर जो लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इन टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के साथ, एमडीएसटी उनके लिए एक न्यू चीज है, उससे वो फेमिलियर नहीं है, तो एट द एंड क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो था, जो हमने एमडीएसटी अप्रोच को लेकर डिजाइन किया था, वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। जो कि हमारे जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली आप फेलियर की तरफ जाएं, हमारे प्रोजेक्ट्स फेलियर की तरफ चलते जाएं, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा, उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा और एट द एंड हमारे पास कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं जी, हमारे टारगेट ऑडियंस है कौन कौन लोग। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, फिर है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और उसके बाद आएगा हमारे पास मैनेजर एंड प्रोजेक्ट लीडर्स। अच्छा, एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, चेन के लिए फेमिलियर होना क्यों जरूरी है एमडीएसडी अप्रोच से। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। Three aspects concerning MDST are relevant for the software architect. First, क्या चीज है जी? The approach requires a clear definition of an application's architectural concept. यानी ये जो हम approach use कर रहे हैं MDST की approach, उसके लिए पहली requirement क्या है? भाई जो application का architecture है, उसके concepts clear होने चाहिए। यानी हम जब MDST को अप्लाई करने जाएं, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो
कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आर्किटेक्चर वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन की गई हो, पहले से डिफाइन की गई हो। फर्दर मोर हम देख लेते हैं जी, MDST often takes place not only as a part of developing an entire application but in the context of creating entire product line and software system family. yani jo MDST hota hai wo baazu ka ye nahi ki sirf ek application bana raha hai, wo pura ek software family system bana raha hota hai, software system फैमिलीज बना रहा होता है, प्रोडक्ट लाइंस क्रिएट कर रहा होता है। दीज प्रोसेसेस वेरी स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर ओन दैट द आर्किटेक्ट मस्ट एड्रेस। यानी वो जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किसने एड्रेस करना है? आर्किटेक्ट ने एड्रेस करना है। तो आर्किटेक्ट को MDST का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, वो इसके कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज और बेसिक आइडियाज से फेमिलियर होना चाहिए, उसके लिए ये चीजें अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तीसरी चीज आ जाती है जी हमारे पास, अ टोटली न्यू डेवलपमेंट अप्रोच मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रोजेक्ट, दिस इज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ मॉडल्स एंड मॉडलिंग लैंग्वेजेस। यानी ये जो अप्रोच है ये टोटली डिफरेंट अप्रोच है, न्यू अप्रोच है, और ये क्या कर रही है जी, दिस इज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ मॉडल एंड मॉडलिंग लैंग्वेजेस। यानी कि मॉडल अलग चीज है, मॉडल्स और मॉडलिंग लैंग्वेजेस अलग चीज है। सो जो हमारा आर्किटेक्ट था उसके पास नॉलेज था किस चीज का? मॉडलिंग लैंग्वेजेस का उसके पास नॉलेज था। वो जो सिस्टम पहले डिजाइन कर रहा था इस बेस पर डिजाइन कर रहा था। मॉडलिंग तो हर सिस्टम में होती है ना, कुछ मॉडल बेस सिस्टम होते हैं, यानी हमने पहले डिजाइन बनाया, मॉडल बनाया और उसके बाद मैन्युअली कोड लिख लिया, और कुछ क्या होते हैं मॉडल ड्रिवन होते हैं, यानी मॉडल बेस की उसको पहले मॉडलिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है, लेकिन इधर बात क्या हो रही है, मॉडल्स की बात हो रही है। इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज और बेसिक आइडियाज वगैरह जो है MDST उनको पहले अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो है वो हमारे प्रोजेक्ट पर काम करे हमारे साथ। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के बाद आ जाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर। आर्किटेक्ट ने क्या करना था? आर्किटेक्चर बनाना था। अब फर्दर मोर डेवलपमेंट किसने करनी है? सॉफ्टवेयर डेवलपर ने करनी है। तो इसके लिए क्यों जरूरी है जी MDST के कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी से अंडरस्टैंड करना? सम एक्सटेंड MDST इंप्लाइज मोर प्रिसाइज एंड क्लियर व्यू ऑफ एस्पेक्ट्स सच एज द मीनिंग ऑफ मॉडल्स, the separation of domain specifics and technical code, the relationship between design and implementation, round trip problem architecture and generation, framework development, versioning and test. वो कहते हैं जी MDST जो है ये सारी चीजें जो हमने अभी मेंशन की हैं, ये जो MDST अप्रोच है ये बेहतर तरीके से इन चीजों को परफॉर्म कर रही है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के मुकाबले में। जो हमारा डेवलपर था जिसके पास ट्रेडिशनल अप्रोच को जो लेकर चलता था, मैन्युअली कोड लिखता था, उसके लिए ये है कि ये जो चीजें वो काम मैन्युअली कर रहा था उससे बेहतर अंदाज में हमारे पास काम MDST कर रहा है। तो बजाय उसके कि वो मैन्युअली वर्क करे, उसे चाहिए कि MDST की टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, आइडियाज को पढ़े, उनको अंडरस्टैंड करे और उनके थ्रू डेवलपमेंट करे। अगर वो MDST के थ्रू डेवलपमेंट करेगा तो जो क्वालिटी होगी हमारे सॉफ्टवेयर की वो इनहेंस्ड हो जाएगी, जबकि
टाइम जो कंज्यूम हो रहा था, टाइम की जो बचत हो जाएगी हमारे पास, और हमारे रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो हमारे रिसोर्सेज भी बच जाएंगे और हमारे सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो भी इनहेंस्ड हो जाएगी। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इन आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाह रहा है, अपने सॉफ्टवेयर जो है उसकी एबिलिटीज जो हैं उनको मजीद बेहतर करना चाह रहा है, तो ये चीज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। MDSD के कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, बेसिक आइडियाज वगैरह को उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, और बजाय इसके कि वो जो ट्रेडिशनल वर्क कर रहा था, अपना टाइम कंज्यूम कर रहा था उन चीजों पर, तो MDSD अप्रोच को अगर वो लेकर चलेगा तो उसके टाइम भी बचेगा और उसका काम भी अच्छा होगा। काम अच्छा होगा तो जाहिर बात है उसके पास क्लाइंट ज्यादा आएंगे, यानी उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है MDSD अप्रोच को अपनाने में। सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद हम देख लेते हैं जी मैनेजर्स और प्रोजेक्ट लीडर्स के लिए MDSD अप्रोच से फेमिलियर होना क्यों जरूरी है, उनके लिए इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। हमारे पास इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी होती हैं, बिकॉज देर इज नो फ्री लंच, कोई काम भी मुफ्त में तो नहीं हो जाता। मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर कम्स विद प्राइस टू, यानी हमें ये तो नहीं हो जाना कि भाई हम MDSD यूज कर रहे हैं, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। देर आर मैनी प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर विच अ मॉडल ड्रिवन अप्रोच कैन बी रिकमेंडेड, बट देर आर सम सर्कमस्टांसेस अंडर विच वी वुड एडवाइस अगेंस्ट इट। यानी बहुत से मौकों पर हम MDSD की, मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट की अप्रोच को रिकमेंड करते हैं। किस लिए रिकमेंड करते हैं? ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, हमारे जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो इनहेंस हो सके। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस भी आ जाती हैं जहां पर MDSD से ज्यादा बेहतर कौन सी टेक्निक होती है, हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक होती है कि हम मैन्युअली कोड को डेवलप करें, अपने हाथ से कोड लिखें, बजाय इसके कि हम मॉडल से ऑटोमेट करें कोड। क्योंकि बाज औकात MDSD अप्रोच जो होती है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से महंगी पड़ी होती है, क्योंकि हमने एक्सपर्टीज हायर किए हुए होते हैं जो MDSD अप्रोच से फेमिलियर होते हैं, उनको हम हायर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। तो बाज औकात क्या होता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा सस्ता पड़ा होता है, तो इन एस्पेक्ट्स को भी हमें देखना चाहिए। ये एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट लीडर है, उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो इन्हीं चीजों से पता चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन किसने लेना है, मैनेजर ने लेना है या प्रोजेक्ट लीडर ने लेना है। हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी, उसमें मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, प्रोजेक्ट लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोजेक्ट जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसमें मैनेजर और प्रोजेक्ट लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस लिए? क्योंकि ये जो चीजें हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें भी इन्होंने देखनी है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें अगर इन्होंने देखनी है तो फिर इन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक को किस वक्त यूज करना है और कौन सी टेक्निक किस वक्त यूज नहीं करनी। यानी डिसीजन मेकिंग जो है, इनकी डिसीजन पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए। ये काम कब होगा? ये काम उसी सूरत में हो सकता है अगर हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट लीडर है,
उसको एमडी एसडी के कॉन्सेप्ट्स पता है, टर्मिनोलॉजीज और आइडियोलॉजी से वो वाकिफ है, यानी ये चीजें उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है, तभी वो डिसीजन ले सकेगा ना कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर जो डेवलप करने में जा रहा हूँ इसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ट रहेगी या एमडी एसडी को मुझे फॉलो करना होगा। तो ये चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मैटर करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में भी और ऑर्गेनाइजेशन को नीचे ले जाने में भी, क्योंकि पैसा मैटर करता है। पैसे को अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह जाया करने लग पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी, यानी अगर उसने एमडी एसडी को फॉलो करते हुए ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इकोनॉमिकल जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको भी हमने देखना है, इकोनॉमिक को भी देखना है और क्वालिटी को भी देखना है। अगर क्वालिटी दोनों में सेम आ रही है तो, और एमडी एसडी में हमारा जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो हमने किसको प्रेफर करना है जी, हमने ट्रेडिशनल की तरफ चले जाना है। तो ये चीजें तभी मैनेजर डिसीजन ले सकेगा अगर उसको एमडी एसडी के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, टर्मिनोलॉजी से वो वाकिफ होगा, तो तभी उसके लिए ये फैसला करना आसान होगा। इसलिए ये जो तीन हमने पढ़े हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट लीडर्स वगैरह और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये तीनों के लिए बहुत जरूरी है कि ये हमारे जो एम डी एस टी के कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनसे ये अंडरस्टैंडेबल हो, ये चीजें इनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो है सक्सेस और फेलियर इसी चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर इन्हें ये चीजें नहीं पता तो हमारा प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, हमारी एंड प्रोडक्ट जो है वो गोल अचीव नहीं कर पाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं दी गोल्स ऑफ एम डी एस टी। एम डी एस टी के जो गोल्स हैं, जो हमने गोल सेट कर रखे हैं एम डी एस टी ने, वो क्या है जी। एम डी एस टी लेट्स यू इंक्रीज योर डेवलपमेंट स्पीड। पहला गोल क्या है जी एम डी एस टी का, कि वो आपकी डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दे, यानी जो काम आप 3 दिन में कर रहे थे ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज करते हुए, वो एम डी एस डी को यूज करते हुए, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए, अप्रोच को यूज करते हुए आप 1 दिन में कर लो, यानी आपके 2 दिन सेव कर रहा है वो। 2 दिन सेव हो रहे हैं मतलब कि हमारी, यानी जो एंड प्रोडक्ट थी वो जो 3 दिन में हमारे पास आनी थी वो हमारे पास 1 दिन में आ रही है। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे 1 दिन में कोई प्रोडक्ट आ नहीं जाती अच्छे प्रोडक्ट की, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी जो 3 दिन में काम होना था वो 1 दिन में आ गया है। ये क्या है जी, उसका गोल है क्या करना, आपकी डेवलपमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देना ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सको, आपका रिसोर्स है टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, टाइम इज मनी। तो इसको सेव करने में एम डी एस टी जो है वो बहुत यूजफुल चीज है, यूजफुल अप्रोच है। अच्छा, इसका दूसरा गोल क्या है, इसका दूसरा गोल है जी द यूज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फॉर्मली डिफाइंड मॉडलिंग लैंग्वेजेस लेट यू इनहेंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इम्प्रूव मैनेजेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। वो कह रहे हैं जी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो रही है, कैसे, मॉडलिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए जो आप ऑटो कोड जनरेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, सेट ऑफ रूल्स की मदद से, जो मॉडल से आप ऑटोमेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का कोड, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी बेहतर है बनिस्बत मैनुअली
जो आप कोड डेवलप करते हैं उससे बेहतर है, और जो मैन्युअली आप कोड लाइन बाय लाइन लिख रहे होते हो, राइट कर रहे होते हो, डेवलप कर रहे होते हो, तो उसमें क्या होती है, बाद का कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे होते हैं। तो इसको क्या कर देता है MDSD जो है, एब्स्ट्रेक्शन के थ्रू इसको रिड्यूस कर देता है। यानी हमने मॉडल बनाया हुआ है, मॉडल भी फाइन मॉडल होना चाहिए, यानी उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल कर कर मॉडल बनाए, उसके बाद हमारा काम बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हमने उसको ऑटोमेटिकली कोड में कन्वर्ट कर देना है, यानी हमें हाथ से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हम मैनुअल कोड भी लिखेंगे, बाज़ औक़ात लिखेंगे, बाज़ औक़ात नहीं लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर काम जो हमारा हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटेड फॉर्म में हम जनरेट कर लेंगे कोड को। और वो जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज आ रही थी ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करते हुए, वो जो हम लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे थे और उसमें एरर्स आ रहे थे, अब वो एरर्स जो है ऑटो जो कोड जनरेट होगा उसमें ना होने के बराबर होंगे, और मोस्टली केसेस में कोई एरर नहीं होगा। लेकिन कोई चीज भी परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी हमारे मॉडल में, जिसकी वजह से हमारा एरर आ सकता है। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम दोबारा मॉडल की तरफ जाएंगे और मॉडल को रिफाइन करेंगे। मॉडल को रिफाइन करने के बाद कोड जो हम जनरेट करेंगे उसमें एरर नहीं होंगे, या अगर पहले बहुत ज्यादा एरर आ रहे थे अब कम हो गए हैं, एक बार फिर हम उसको मॉडल की तरफ चले जाएंगे और उसको दोबारा रिफाइन कर लेंगे। यानी ये रिफाइनमेंट का प्रोसेस भी चलता रहेगा साथ साथ, जब तक हमें हमारी एंड प्रोडक्ट मिल नहीं जाती, ये रिफाइनमेंट होती रहेगी। ये क्या कर रहा है, आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इम्प्रूव हो रही है इससे। तीसरी चीज देख लेते हैं जी, MDSD ऑफर्स अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट प्राइमरी मोटिवेशन फॉर MDA और इंटरऑपरेबिलिटी। ये हम पहले बात इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरर इंडिपेंडेंस थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, जो लैंग्वेजेस के थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा था और टूल्स के दरमियान ऑपरेबिलिटी पैदा कर रहा था, मॉडल्स और टूल्स में ऑपरेबिलिटी डेवलप कर रहा था MDA। दूसरी तरफ क्या था हमारे पास, पोर्टेबिलिटी थी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस था फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो हमारा PIM था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, उसकी इधर बात हो रही है कि वो पोर्टेबल होता है, उसमें पोर्टेबिलिटी होती है, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन किया जा सकता है। यानी ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल से पहले की बात हो रही है, जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल की ये बात हो रही है, जिसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करते हैं, यानी मॉडल टू मॉडल हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, और PIM से हम PSM यानी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल पर चले जाते हैं। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल जो है उससे दोबारा वापस जाना PIM में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल में, कितने मुश्किल है, बहुत मुश्किल टास्क है। यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल पर आना आसान काम है, जबकि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल पर वापस जाना ये कितने मुश्किल काम है, और इसमें बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं।